हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉररलैंड। हम फिर हाजिर है एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जो कि एक फ्रेंच हॉरर थ्रिलर मूवी पर होने वाला है, जिसका नाम आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। इस मूवी को जूलिया डुकुरनाव ने डायरेक्ट किया है और ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है, जो कि आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7/10 स्टार्स है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, वैसे तो ये एक अडल्ट मूवी है और इसमें कई सारे 18+ सीन्स हैं, इसीलिए ये वीडियो मैंने कट शॉर्ट करके बनाया हुआ है। और अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके इस मूवी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है और सड़क से कोई व्यक्ति उठकर उस कार की तरफ बढ़ता है, और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में थे और ये फैमिली प्योर वेजिटेरियन थी। और तभी जस्टिन नाम की एक लड़की के खाने में एक मांस का टुकड़ा आ जाता है, जो कि वेजिटेरियन तो थी ही, साथ ही साथ उसे मीट से भी एलर्जी थी, जिससे कि उसकी मॉम काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उसका खाना रिप्लेस करवाने के लिए चली जाती है। जिसके बाद जस्टिन के पेरेंट्स उसे उसके कॉलेज में छोड़ने आते हैं, जहां पर उसने अभी एडमिशन लिया था। और ये एक वेटेरियन कॉलेज था, जिसे सिंपल भाषा में कहे तो जहाँ पर जानवरों का इलाज करने की पढ़ाई की जाती है। और इस कॉलेज में पहले से ही जस्टिन की बड़ी बहन एलेक्स पढ़ाई कर रही थी, जो कि उसकी सीनियर भी होने वाली थी। फिर जस्टिन के पेरेंट्स उसे उसके कॉलेज हॉस्टल में छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद रात को जस्टिन अपने हॉस्टल के कमरे में थी और अचानक उसका रूममेट एड्रियन आ जाता है, जो कि एक गे था। जिसके बाद हॉस्टल के सीनियर भी वहां पर आ जाते हैं, जो कि सभी फ्रेशर स्टूडेंट्स को रैगिंग के लिए ले जाते हैं, जहां उन्हें अपने घुटनों के बल पर चलना था। जिसके बाद सभी को एक कमरे में भेज दिया जाता है, जहां पर एक अंडरग्राउंड पार्टी चल रही थी, लेकिन जस्टिन अपने आप को वहां पर अनकंफर्टेबल महसूस करती है और अपनी बड़ी बहन एलेक्स को ढूंढती है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद जस्टिन को एलेक्स मिल जाती है, और उसे देखकर जस्टिन को थोड़ी राहत मिलती है। और फिर एलेक्स जस्टिन को हॉस्टल के एक रूम में लेकर चली जाती है, जहां पर वो जस्टिन को अपने मॉम और डैड की पुरानी तस्वीरें दिखाती है, जो कि इसी कॉलेज में पढ़े हुए थे। जिसके बाद जस्टिन अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन जस्टिन अपने कॉलेज में जाती है, जहाँ पर उन्हें कॉलेज विजिट के साथ जानवरों का ट्रीटमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी ये देखते हैं कि एक घोड़े का इलाज चल रहा है, जो कि काफ़ी दर्द में है, जिसे देखकर जस्टिन भी काफ़ी सहम जाती है। और फिर इस कॉलेज विजिट के एंड में सभी फ्रेशर्स का एक ग्रुप फोटो लिया जाने वाला था, लेकिन तभी उनके सीनियर्स सभी फ्रेशर्स पर मरे हुए जानवरों का खून डाल देते हैं, जिसे वो यहाँ का एक रिवाज बताते हैं, जिसमें सभी फ्रेशर्स को खरगोश की एक किडनी कच्ची निकलनी थी, लेकिन जस्टिन एक वेजिटेरियन थी और वो ये सब बिल्कुल भी नहीं खा सकती थी। लेकिन तभी एलेक्स वहाँ पर आ जाती है और वो जस्टिन को ज़बरदस्ती खरगोश की किडनी खिला देती है। फिर रात में जस्टिन जब अपने कमरे में सोने जाती है, तो उसे अपनी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा इचिंग होती है और वो अपनी बॉडी पर कई सारे रैशेस भी देखती है, जिसे वो लगातार अपने नाखूनों से खुजाले जा रही थी। अगले दिन जस्टिन कॉलेज के ही एक डॉक्टर को अपनी परेशानी बताती है और वो उसकी डेड स्किन निकालने लगती है। डॉक्टर इसकी वजह फूड पॉइजनिंग बताकर उसे एक लोशन लगाने को देती है, जिसके बाद जस्टिन वहां से चली जाती है। कॉलेज मेस में जब जस्टिन अपने रूममेट एड्रियन के साथ खाना लेती है, तो वो चुपके से मीट का टुकड़ा चुरा लेती है, जिससे कि वहाँ की वार्डन देख लेती है और उसे मीट वापस रखना पड़ता है। जिसके बाद एड्रियन जस्टिन को उसके कॉलेज से काफ़ी दूर एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहां पर वो उसे एक नॉनवेज हॉटडॉग खिलाता है और जस्टिन काफ़ी ज़्यादा मीट खाए जा रही थी। हम देखते हैं कि जस्टिन का मीट की ओर अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो अपने रूम में चोरी छुपे कच्चा मीट खाने लगती है। जस्टिन अनजाने में खुद के ही बाल खाने लगती है, जिसका उसे ज़रा भी पता नहीं चलता। जस्टिन अपनी इन हरकतों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है
और वो अपनी बड़ी बहन एलेक्स को इसके बारे में बताती है। फिर जस्टिन एलेक्स के पास भी वही लोशन देखती है जो कि उसे डॉक्टर ने अपनी स्किन पर लगाने के लिए दिया था। फिर एलेक्स वहां पर आ जाती है और वो देखती है कि जस्टिन अब बड़ी होने लगी है। फिर वो उसे बेड पर लेटाकर उसके पैरों की वैक्सीन करती है, लेकिन वैक्स स्ट्रैप उसके पैरों में चिपक जाता है और जब एलेक्स उसे हटाने के लिए कैंची का इस्तेमाल करती है तो जस्टिन को काफ़ी हर्ट होता है, जिससे कि वो एक जोरदार लात मारती है और एलेक्स की उंगली कैंची के बीच में आकर कट जाती है, जिसे देखकर एलेक्स वहीं पर बेहोश हो जाती है। जस्टिन एलेक्स की कटी हुई उंगली उठाती है ताकि उसे वापस से जोड़ा जा सके, लेकिन जस्टिन अपनी तलब के कारण उसका खून चाट लेती है, जिसके बाद वो अपनी ही बहन की उंगली खा जाती है। और अगले दिन जस्टिन के पेरेंट आकर उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां पर उसकी कटी हुई उंगली का ट्रीटमेंट होता है। कुछ दिनों तक जस्टिन के साथ रहने के बाद एलेक्स उसे एक खाली रोड पर ले जाती है, जहां पर वो रास्ते में आने वाली कारों के सामने अचानक से आ जाती है, जिससे कि कार का एक्सीडेंट हो जाता है और एलेक्स कार में घायल पड़े लोगों के पास जाती है और उनका मांस खाने लगती है, जिससे कि जस्टिन को भी पता चल जाता है कि एलेक्स को भी उसी की ही तरह इंसानी मांस खाने की तलब लगती है, जिसके बाद यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जस्टिन अपने कॉलेज में एड्रियन के साथ प्रैक्टिस कर रही थी, जहां पर वो एक कुत्ते की डेड बॉडी को बहुत ही इजीली कट लगाती है, जिसे देखकर एड्रियन चौंक जाता है क्योंकि वो एक वेजिटेरियन थी और उसे मांस से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। जस्टिन पर उसकी भूख बहुत ही ज़्यादा हावी होने लगती है, वो रातों को सो नहीं पाती थी, जिससे परेशान होकर जस्टिन अपने सीनियर्स की पार्टी में चली जाती है और उस पार्टी के दौरान जस्टिन पर पेंट डाल दिया जाता है, जिसके बाद जस्टिन को एक लड़के के साथ मेकआउट करना था। जब वो लड़का जस्टिन को किस करता है तो जस्टिन काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है और वो उस सीनियर का होटी काट लेती है, जिससे कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग जस्टिन से डर जाते हैं और जस्टिन वहाँ से भागकर अपने कमरे में आ जाती है और शावर लेते समय उस लड़के का कटा हुआ होंठ खाने लगती है, जिसके बाद वो एड्रियन के पास आकर लेट जाती है और दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। जस्टिन एड्रियन को काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने आप को संभालने के बाद खुद के ही हाथ को काट लेती है ताकि एड्रियन को चोट ना पहुंचे। अब हम देखते हैं कि जस्टिन का अपने आप पर से काबू चला जाता है और उसकी भूख उसी पर हावी होने लगती है। अब उसका मन ना तो उसकी पढ़ाई में लगता था, ना ही और किसी चीज़ में। जस्टिन का मानसिक संतुलन खराब होने के कारण वो अकेले ही क्लब में जाया करती थी, जहाँ पर लोग उसकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उसका वीडियो बना लेते हैं और उसे पूरे कॉलेज में फैला देते हैं। जस्टिन को लगता है कि शायद एलेक्स ने उसका ये वीडियो कॉलेज में फैलाया होगा और जस्टिन और एलेक्स की काफ़ी भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें एलेक्स जस्टिन के चेहरे की चमड़ी काट लेती है और ये लड़ाई काफ़ी देर तक चलती है, जिसमें दोनों ही काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। फिर शाम को एलेक्स को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जस्टिन के पास आकर उसके घावों पर दवाई लगाती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब जस्टिन की नींद खुलती है तो वो एड्रियन की बॉडी पर खून की कुछ बूंदें देखती है और जब वो उसके शरीर पर से कंबल हटाती है तो वो देखती है कि उसके पैरों का आधा हिस्सा गायब है। और फिर जस्टिन जब एड्रियन को हिलाती है तो उसे पता चलता है कि एड्रियन मर चुका है। फिर जस्टिन एलेक्स को उसके कमरे में ही बैठा हुआ देखती है, जिसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर जस्टिन समझ जाती है कि एड्रियन को एलेक्स ने ही मारा है। जस्टिन एक बड़ी सी स्टिक उठाती है और एलेक्स की तरफ मारने के लिए बढ़ती है, लेकिन वो उसे मारते मारते रुक जाती है। फिर वो एलेक्स को बाथरूम में ले जाकर उसके शरीर पर लगे हुए खून को साफ करती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स को जेल में ले जाया जाता है और उस जेल में जस्टिन एलेक्स से मिलने जाती है, जिसके बाद वो अपने घर पर अपने मॉम और डैड से मिलने जाती है। फिर जस्टिन के डैड उसे एक ऐसा राज बताते हैं जो कि जस्टिन को कभी भी नहीं पता था। जस्टिन और एलेक्स की इस हालत का जिम्मेदार कोई नहीं था,
दरअसल ये एक बीमारी थी जो कि उन्हें अपनी मॉम से मिली थी, जिसमें उन्हें कच्चा इंसानी मांस खाने की तलब उठती थी। ये कहकर जस्टिन के डैड अपनी शर्ट खोलने लगते हैं, जहाँ पर उनके पूरे शरीर पर काफ़ी ज़्यादा गहरे घाव दिखते हैं जो कि जस्टिन की मॉम ने उन्हें दिए थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, वैसे तो ये एक बहुत ही सिंपल स्टोरी वाली मूवी है, जिसमें जस्टिन बचपन से वेजिटेरियन होती है, जो कि वेटनरी कॉलेज में अपनी पढ़ाई के लिए जाती है, जहाँ पर उसे सीनियर्स के द्वारा ज़बरदस्ती मीट खिलाया जाता है, जिससे कि पहले तो उसे एलर्जिक रिएक्शन होता है, लेकिन बाद में उसे कच्चा मांस खाने की तलब लगने लगती है। और वो इसी के चलते कई लोगों को नुकसान भी पहुंचाती है, लेकिन बाद में उसे ये पता चलता है कि ये कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये एक अजीबोगरीब सिंड्रोम है, जो कि उसकी बड़ी बहन एलेक्स को भी था। और ये जेनेटिक सिंड्रोम उन्हें अपनी माँ की जीन से मिला है, जिसमें उन्हें कच्चा और इंसानी मांस खाने की तलब लगती है। एलेक्स अपनी इसी तलब को पूरा करने के लिए लोगों का जानबूझकर एक्सीडेंट करवाती है, ताकि वो घायल और मरे हुए लोगों का कुछ मांस खा सके, जो कि हम मूवी की स्टार्टिंग में एक सीन में देखते हैं। जस्टिन की मॉम उसे बचपन से वेजिटेरियन बनाकर रखती है, ताकि उसे कभी भी मीट खाने की तलब न लगे। लेकिन जब उसे खरगोश का मांस खिलाया जाता है, तो बाद में उसके शरीर में बदलाव आने लगते हैं और उसकी भूख भी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि और भी कई सारे वीडियोस जल्दी ही आने वाले हैं।